इस्लामाबाद का वो सरकारी स्कूल जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है, जहां बच्चों को न सिर्फ तालीम दी जाती है बल्कि तुलबा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए लैब्स भी बनाई गई हैं, जिनमें हेलो रोबोटिक, आर्ट, मैथमेटिक, टेक लर्निंग स्पेस और दीगर लैब्स शामिल हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि इनका मकसद बच्चों को 21वीं सदी की स्किल्स मुहैया करना है ताकि बच्चे जदीद दौर की टेक्नोलॉजी से आगाह हों। इस सरकारी स्कूल में बच्चों को न सिर्फ बुनियादी तालीम बल्कि जदीद टेक्नोलॉजीज के साथ साथ दोपहर का खाना भी दिया जाता है ताकि सब बच्चे एक साथ बैठकर एक ही तरह का खाना खाएं। हमने पिछले महीने ही हमारी एसएमसी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो कम्युनिटी मेंबर्स पे बेस करती है, हमने उसको रीऑर्गेनाइज किया और उसमें हमें ज्वाइन किया मोहिउद्दीन वाली साहब ने जो एक्स चीफ सेक्रेटरी रहे हैं जीबीएन, और यहाँ हमारी कम्युनिटी को ही मोबिलाइज करके हमने ये सारा सेटअप लॉन्च किया है। बेसिकली हम यहाँ पे 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट की तरफ जा सकें। जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त हमारे पास 230 स्टूडेंट्स थे और जो हम इसके नंबर ऑफ एडमिशन इस वक्त यहाँ पर 300 स्टूडेंट्स हैं, और अब चूंकि हमने ये सारी इंटरवेंशन जिस स्टेज पर की है इस वक्त तो वैसे ही एडमिशन कम होते हैं क्योंकि दिसंबर है, दो महीने बाद फाइनल एग्जाम्स हैं, तो जिस बच्चे ने जिधर एडमिशन लेना होता है वो उधर एडमिशन ले चुका होता है। बट हमें उम्मीद है कि जो नेक्स्ट सेशन हमारा शुरू होगा वो खिड़की तोड़ हफ्ता होगा और यहाँ से हम उम्मीद रखते हैं कि 500 प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे। Thank you.